ओम सूर्याय नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे रविवार के व्रत की कथा क्या है इस बारे में। जी हाँ, रविवार व्रत की विधि क्या है ये भी जानेंगे, सूर्य देव की कथा, आरती और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, किस प्रकार से सूर्य देव का यानी कि रविवार का व्रत करना चाहिए तो हमें फल मिलता है, इसके नियम विधि सहित बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। सूर्य देव की पूजा क्यों करना है, व्रत क्यों करना है रविवार का, तो अगर जीवन में आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, सूर्य देव की चमक जैसे पूरी पृथ्वी पर बिखरी हुई है, इस तरीके से आपकी कीर्ति यानी कि आपका यश पूरी दुनिया में फैले, तो इसके लिए सूर्य देव की पूजा बहुत जरूरी है। खास करके जो आर्टिस्ट होते हैं, नेता होते हैं, अगर आप नाम कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है, पैसा सफलता पाना चाहते हैं तो सूर्य देव की पूजा करना, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता एक ही हैं, वो हैं सूर्य देव। जी हाँ, इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से यानी कि सूर्य देव के रविवार के व्रत को करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है, कुल को एक दीपक मिलता है, इससे सभी पापों का नाश हो जाता है, इससे मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान और आरोग्यता की प्राप्ति होती है, यानी कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है सूर्य देव का व्रत करना, लेकिन नियम के साथ करना बहुत जरूरी है। तो वो नियम कथा आपको इस वीडियो में पूर्णतः बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जरूर लिखिए एक बार जय सूर्य देव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। रविवार सूर्य देव की पूजा का दिन है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मान सम्मान, धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार का व्रत कैसे आपको उस दिन पूजन करना है, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। सूर्य देव का यानी कि रविवार का व्रत एक वर्ष या 30 रविवारों तक या फिर 12 रविवार तक लगातार जरूर करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठ करके शौच इत्यादि स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाइए। स्वच्छ लाल रंग के कपड़े पहन लीजिए, बिल्कुल लाल रंग के कपड़े पहनिए। नहा धोकर के, नए कपड़े हो तो नए, नहीं तो कपड़े धो करके पहले से रखिए, उन्हें पहनिए। उसके बाद घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या फिर चित्र स्थापित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प इत्यादि से भगवान सूर्य का पूजन कीजिए। लाल रंग के ही पुष्प यानी कि फूल चढ़ाइए तो ज्यादा अच्छा है। पूजन के बाद व्रत की कथा सुनिए, कथा हम अभी आपको सुनाएंगे। व्रत कथा सुनने के बाद आरती कीजिए, वो भी हम आपको सुनाएंगे। इसके बाद सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या फिर 5 या फिर 3 माला आप जाप कीजिए। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा घास से सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। सात्विक भोजन और फलाहार करिए। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी का सेवन कीजिए। रविवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिए, नमक का सेवन मत कीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए अब रविवार के व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से भी जीवन संवर जाता है। ये व्रत करने वालों को कथा जरूर सुनना चाहिए और नहीं करने वाले हैं तब भी सुनना चाहिए। इस व्रत का इस दिन कथा भी सुनने से जीवन से काफ़ी परेशानियां दूर होती हैं, तो इसलिए अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और पुण्य का लाभ मिल सके। सूर्य देव एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं और 5 देवों की जो पूजा की जाती है उनमें से एक सूर्य देव भी हैं। जी हाँ, प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी, वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर के बुढ़िया स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ कर लेती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगा करके दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख करके उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं
पाले रखी थी, इसीलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच करके अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल यानी कि सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांध कर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भून करके राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझा करके उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः काल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो इस प्रकार से सूर्य देव की कथा श्रवण करनी चाहिए। ये सूर्य देव के रविवार के पूजन की कथा है। आइए आरती करते हैं सूर्य देव की। जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। राजनिपति मदहारी शतल जीवन दाता, षट पद मन मुदकारी हे दीन मणि दाता। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। नव मंडल के वासी ज्योति प्रकाश देवा, निज जन हित सुख राशि तेरी हम सब करें सेवा। करते हैं रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। कनक बदन मन मोहित रुचिर प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित अजर अमर छविधारी। हे सुरवर रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। श्री रविवार जी की आरती कर लेते हैं। कहूं लगी आरती दास करेंगे, सफल जगत जाके ज्योति विराजे, सात समुद्र जाके चरण बसे, काह भयो जल कुंभ भरे हो राम, कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहां भयो मंदिर दीप धरे हो राम, भार 18 रामा बलि जाके, कहां भयो शिर पुष्प धरे हो राम, 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे, कहां भयो नैवेद्य धरे हो राम, अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहां भयो झनकार करे हो राम, 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहां भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम, शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम, हीम मंदार जाके पवन झकोरे, कहां भयो शिव चंवर ढुरे हो राम,
लख 84 बंध छुड़ाए, केवल हरियश नाम देव गाए हो राम। तो इस प्रकार से आपको रवि देव की पूजा करनी चाहिए और रवि देव को आंख बंद करके नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनको अर्ध जरूर देना चाहिए यानी कि जल जरूर चढ़ाना चाहिए, सूर्य देव की तरफ मुख करके ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मंत्र का जाप करते रहिए और जल चढ़ाइए। जल देते वक्त ध्यान रखिए सीने से ऊपर से ही जल को चढ़ाइएगा तो इसका साइंटिफिक लाभ भी आपको मिलता है। जल जरूर देना चाहिए, साइंस भी ये कहता है, धार्मिक मान्यता के अनुसार समझ लीजिए कि व्रत त्योहार या दुनिया का कोई भी पूजा पाठ तभी फलित होता है जब आप पूर्ण श्रद्धा के साथ पूर्ण आस्था के साथ करते हैं। तो रविवार के व्रत के पूजन विधि को और आरती को आप सभी ने समझा, फिर भी कुछ संशय रहा हो आपको तो जरूर कमेंट्स करके पूछिएगा, आपके लिए वीडियो आने वाले दिनों में बना देंगे उस टॉपिक पर या फिर आपके जो सवाल हैं उसके जवाब वहीं पर मिल जाएंगे कमेंट्स के। तो इसलिए सवाल जरूर कीजिए अगर आपके मन में कुछ हैं तो, या फिर और कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें सजेस्ट करिए, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। आप सभी कमेंट्स करते हैं ये हमें बहुत खुशी देता है, जरूर लिखिए कमेंट्स में। जय सूर्यदेव, नाम और शोहरत देते रहें प्रभु। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें ओम सूर्याय नमः।